गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, मानव भूगोल अपना चल रहा था टॉपिक, जिसमें अपना मानव भूगोल का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई और उसका क्षेत्र हो गया, और उसके क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग जो राइटर हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, उन्होंने भी क्या है अपने विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। जैसे रेड जेल है, कालोसावर है, या आपका रीटर है, कुमारी सैंपल है, तो इन्होंने अपने अपने क्या है विचार प्रस्तुत किए हैं। किससे संबंधित? मानव भूगोल से संबंधित। देखो, उससे अगला अपने सिलेबस के आधार पे मानव भूगोल की शाखाओं का टॉपिक आता है कि मानव भूगोल है वो इसकी क्या है अलग अलग शाखाएं भी हैं, या क्या है सिर्फ मानव भूगोल को ही पढ़ा जाता है। तो अगर अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, इसलिए इसकी क्या है अलग अलग शाखाओं के अंदर इसको बांटा गया है। पहले अगर बात करते हैं तो शुरू के अंदर अगर देखा जाए, जब भूगोल का विकास नहीं हुआ था तब भूगोल को क्या है सामाजिक विज्ञान के साथ ही पढ़ा जाता था। किसके साथ? सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसी के साथ क्या है भूगोल को पढ़ा जाता ले। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसका जो विषय क्षेत्र है, इसको पढ़ने का, इसको समझने का, इसका जो अध्ययन है वो काफी क्या होने लग गया, विस्तृत होने लग गया, तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, अलग विषय के रूप में बना दिया गया, और इस अलग विषय के साथ साथ इसको पढ़ा जाने लग गया। अगर अपन मानव भूगोल की शाखाओं की बात करते हैं तो मानव भूगोल की शाखाओं के अंदर क्या कि जो अपन जो अपना मेन सब्जेक्ट है मानव भूगोल, क्योंकि मानव भूगोल के अंदर मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, सभी क्रियाएं हैं जो क्या है जिनका प्रभाव क्या है वातावरण से पड़ता है, या कह सकते हैं कि मानव की सभी क्रियाओं के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो क्या है दोनों के बीच में क्या बना रहता है, एक प्रभाव पड़ता है, चाहे कह सकते हैं कि वातावरण के ऊपर क्या है मानव का प्रभाव, या कह सकते हैं कि मानव के ऊपर वातावरण का प्रभाव है वो पड़ता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके अध्ययन के अंदर तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर न केवल क्या है मानव और वातावरण, इन दोनों के साथ क्या है आपका अलग और भी क्या है अध्ययन किया जाता है, जिसके साथ साथ आपका वातावरण का आर्थिक है, भौतिक संबंध है, ये इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है कि मानव के साथ साथ क्या है मानव व वातावरण के साथ आर्थिक व भौतिक, इनका भी क्या है प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? मानव के ऊपर। तो मानव के ऊपर क्या है आपका वातावरण का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका आर्थिक और भौतिक प्रभाव भी पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है मानव भूगोल के अंदर क्या है अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, या कह सकते हैं भूगोल से संबंधित अन्य शाखाएं हैं देखने को मिलती हैं। जैसे आपका आर्थिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, प्रजातीय भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, आदि का क्या है मानव की कार्य क्षमता व शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीति, धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? मानव भूगोल के अंदर। देखो, मानव भूगोल की अगर शाखाओं की अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्या है भौतिक और आर्थिक कारण ही नहीं, इसके अंदर क्या है अनेक प्रकार की शाखाएं हैं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आपका आर्थिक है, जिसमें आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामरिक भूगोल,
सांस्कृतिक भूगोल। तो क्या है इसके अंदर, क्या है अनेक प्रकार की आपकी, जैसे प्रजातीय, ऐतिहासिक, प्रजातीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, इन सब का क्या है अध्ययन किया जाता है। ये इनकी मानव भूगोल की शाखाओं के रूप में देखा जाता है और इन सब का प्रभाव क्या है मानव की कार्य क्षमता, यानी कि जो भी कार्य मानव करता है उनके ऊपर इनका प्रभाव है वो पड़ता है। यानी कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो तो क्या है इस रूप में अपन को देखने को मिलती है, लेकिन इन शाखाओं का प्रभाव है वो मानव की कार्य क्षमता के ऊपर पड़ता है, जिसमें आपका उसका कार्य भी आता है, उसका स्वास्थ्य भी आता है, उसकी शिक्षा भी आती है, उसकी सरकार है, राजनीति है, धर्म है, उनके ऊपर प्रभाव को का अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। अगर देखो इसके अध्ययन के अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं मानव भूगोल के अंदर, तो मानव भूगोल के अर्थ के अंदर देखते हैं अपन कि एक जो राइटर है प्रोफेसर रोकसबी, देखो जिन्होंने क्या है मानव भूगोल की अनेक शाखाओं का वर्णन किया है, कौन से राइटर, प्रोफेसर रोकसबी के अनुसार, प्रोफेसर रोकसबी के अनुसार इन्होंने क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र निर्धारित करते हुए उसमें क्या है अलग अलग शाखाओं का अध्ययन है या अलग अलग शाखाओं का क्या है विभाजन किया है, जिसमें आपका आता है पहला आर्थिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामरिक भूगोल और प्रजातीय भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। इस तरीके से क्या है छह आपकी क्या है उन्होंने शाखाओं का वर्णन किया है, जो आपकी कितनी है इनके अनुसार जो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, मानव भूगोल की निम्न शाखाओं का विभाजन विभाजन किया है। तो इन्होंने क्या है छह प्रकार की क्या है मानव भूगोल की शाखाएं हैं वो बताई हैं कि मानव भूगोल के अंदर इन शाखाओं का क्या है अध्ययन किया जाता है। सिर्फ मानव भूगोल को ही नहीं पढ़ा जाता है, इसके साथ साथ क्या है आर्थिक भूगोल भी पढ़ी जाती है मानव भूगोल में, सामाजिक भूगोल भी पढ़ी जाती है, राजनीतिक भूगोल भी पढ़ी जाती है, सामरिक भूगोल भी पढ़ी जाती है, प्रजातीय भूगोल भी पढ़ी जाती है, ऐतिहासिक भूगोल भी। तो इन छह शाखाओं का क्या है इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं आर्थिक भूगोल। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्थिक भूगोल, सबसे पहले उठाते हैं आर्थिक भूगोल। देखो अगर विस्तार से चर्चा करते हैं तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, शुरुआत में मानव भूगोल की शाखाएं पढ़ रहे थे, तो मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वो आपकी क्या है आर्थिक भूगोल है, उसको माना गया है, उसको लगभग क्या है तीन हिस्सों के अंदर रखा गया है। पहला है कृषि भूगोल, दूसरा है वाणिज्य भूगोल और तीसरा है औद्योगिक भूगोल। तीसरा आपका आता है औद्योगिक भूगोल, यानी कि
प्रोफेसर रोकस बी की अगर चर्चा करते हैं, रोकस बी क्या कहता है कि मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए अनेक जो शाखाएं बनाई गई हैं, उन शाखाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वो है आपकी आर्थिक भूगोल। यानी कि मानव की अगर शाखा, मानव भूगोल की शाखा की अगर चर्चा करते हैं, तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और आर्थिक भूगोल को क्या है, तीन हिस्सों के अंदर बांटा है, कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल और औद्योगिक भूगोल। अब अगर इसकी आर्थिक भूगोल की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आर्थिक भूगोल का मुख्य जो संबंध है वो किससे है, मनुष्य के भोजन से, विश्राम से, उनकी जो कपड़े हैं उनका, मनुष्य का रहन सहन है, और पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक जो संसाधन है वो क्यों है, कैसे हैं, कहाँ से आए, उनका उपयोग क्या है, इनका विश्लेषण अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है या मूल मंत्र है वो माना जाता है। कि ये जो प्रकृति पृथ्वी के ऊपर धरातल के ऊपर ये प्राकृतिक संसाधन है, ये क्यों है, कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, इनका उपयोग क्यों हुआ, ये सारी जानकारी अगर अपन को देखनी है तो अपन को क्या है, आर्थिक भूगोल को विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। विश्व के विभिन्न भागों में अगर मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए या भिन्न भिन्न जीविकोपार्जन के साधन के लिए क्या है, जैसे लकड़ी काटना है, मछली पालन है, या आपका क्या है, शिकार करना है, खेती करना है, भोज्य पदार्थ है वो एकत्रित करने हैं, खाने खोदना है, उद्योग धंधे स्थापित करना है, व्यापार है, नौकरी है आदि के अंदर क्या है, व्यस्त रहता है। क्यों रहता है, आर्थिक भूगोल यानी कि अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो किससे प्राप्त करता है, अर्थ से। अगर वो कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या है, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का, या कह सकते हैं कि राष्ट्र के अंदर उसकी आय का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है वो देखने को मिलता है। और इस तरीके से क्या है, वो अपने परिवार का पालन पोषण या उनके जीविकोपार्जन के साधन है वो क्या है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। कि कई व्यक्ति क्या है, लकड़ी काटना है, शिकार करना है, उद्योगों में कार्य करते हैं, कंपनियों में कार्य करते हैं, या कोई भी क्या है आपका, जैसे खान खोदना, खनिज पदार्थ निकालना, या कह सकते हैं आर्थिक प्रयत्नों में, अगर जैसे मान लो मिट्टी की जो बनावट है, या जलवायु है, वनस्पति है, खनिज संसाधन है, भौगोलिक स्थिति है, यातायात की सुविधा है, जनसंख्या घनत्व है आदि, वातावरण के विभिन्न तत्वों पर क्या है, प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आर्थिक भूगोल का जो अपन मानव भूगोल के अंदर क्या है, आर्थिक भूगोल को सम्मिलित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आर्थिक भूगोल या अर्थ के द्वारा क्या है, मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या है, पूरी करता है। और उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है, जैसे उसके कार्य होते हैं, लकड़ी काटना है, शिकार करना है, उद्योगों में कार्य करना है, या कोई अपना उद्योग धंधा खोलना है। तो इस तरीके से क्या है, आर्थिक भूगोल का क्या है होना या उसका विश्लेषण या मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। पृथ्वी के धरातल पर मानव की स्थिति का क्या है, महत्वपूर्ण महत्व अधिक है। वह अपने रहन सहन, भोजन, विश्राम, वस्त्रों की प्राप्ति के लिए क्या है, प्रयत्नशील रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अगर वो प्रयत्नशील नहीं होगा तो वो अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए वह अपने कार्य के प्रति कह सकते हैं, अपने रहन सहन है, भोजन है, और ये जो जो कार्य है वो करता है, उन इनको प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रयत्नशील रहता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल का विकास क्या है, बड़े रूप में देखने को मिलता है। सबसे पहले 1882 में क्या है, गोथ 1882 में क्या है, गोथ नामक जर्मन विद्वान ने इस शाखा के
अंतर्गत मनुष्य के व्यवसाय, उत्पादन, व्यापार पर पड़ने वाले भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव, उनके पारस्परिक संबंधों की क्या है अध्ययन करने का कार्य सम्मिलित रूप से देखने को मिला। कब? ये क्या है? जर्मन विद्वान है। 1882 के अंदर सबसे पहले आर्थिक भूगोल की अगर अपन शुरुआत मानते हैं तो 1882 में गोत्स नामक एक जर्मन विद्वान है जिन्होंने क्या है मनुष्य की जिन्होंने क्या है इन शाखा के अंतर्गत मनुष्य के जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे वो प्राथमिक व्यवसाय हो, चाहे द्वितीयक व्यवसाय है, चाहे तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय है उसका क्या है उत्पादन और उत्पादन के बाद में उसका व्यापार, व्यापार पे पड़ने वाले भौतिक क्या है आपकी परिस्थितियों के प्रभाव और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या है इसके अंदर सम्मिलित किया गया कि जितना भी जो आय व्यय जो किया जाता है या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है आपका आर्थिक भूगोल के अंदर जितना भी क्या होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यवसाय खोला जाता है, कोई भी व्यवसाय के अंदर अगर कार्य कर रहा है तो उसका उत्पादन और उस उत्पादन होने के बाद में उसका जो व्यापार है, इन सब क्रियाओं का अध्ययन किसके अंदर सम्मिलित किया गया? आर्थिक भूगोल के अंदर सम्मिलित किया गया। तो आर्थिक भूगोल के अंदर देखा जाए तो अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, जैसे आपकी कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल और औद्योगिक भूगोल। शुरुआत सबसे पहले किसने की? गोत्स, जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान है जिन्होंने 1882 के अंदर आर्थिक भूगोल की क्या है चर्चा की, उसके बारे में बताया कि किस किस का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया आपका व्यापार व उत्पादन दोनों ही चीजों को क्या है महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से आर्थिक भूगोल का अध्ययन है वो सम्मिलित किया गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद चर्चा करते हैं आर्थिक भूगोल के अंदर दूसरा। आर्थिक भूगोल के अंदर क्या है तीन शाखाओं को सम्मिलित किया गया। पहली शाखा है आपकी कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत क्या है आपकी उन सभी परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जो कृषि की विभिन्न उत्पत्ति और उसके वितरण से संबंधित है। यानी कि कह सकते हैं कि एक सफल जो कृषक होता है उसके लिए कृषि भूगोल के अंदर अगर देखा जाए तो एक सफल जो कृषक होता है, किसान जो होता है, उसको सबसे पहले किसकी जरूरत होती है कृषि कार्य करने के लिए? उसके अंदर क्या है अनेक जो उसके जो आवश्यक कह सकते हैं कि एक सफल कृषक के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन संबंधी जो अवस्थाएं होती हैं वो मिट्टी की प्रकृति, उसका प्रकार, उसकी जो उत्पत्ति और उसके अंदर भूमि जो गुण, भूमि क्षरण क्षरण के उपाय, जल की मात्रा, सूर्य का प्रकाश, फसल को बोने काटने, आर्थिक दशाएं, ये सभी क्या है इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। देखो कृषि कार्य है अगर एक कृषक के द्वारा किया जाता है, एक किसान के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है तो एक सफल कृषक के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उपयोगी जो कोई भी आपका क्या है एक बड़ा फार्म जो हो उसके अंदर मिट्टी है वो क्या है फसल के आधार पे उपयोगी होनी चाहिए, उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता है, सूर्य का प्रकाश हो, उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के ऐसे कारकों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें आप क्या है कह सकते हैं कि भूमि क्षरण कम होता हो, जो फसलों को काटने बोने का इन सब का क्या है समय का निर्धारण है कृषक को आना चाहिए। तो ये सारी बातें किसके अंदर की जाती हैं? कृषि भूगोल के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। तो इसी आधार पे अगर अपन चर्चा करते हैं कृषि भूगोल के अंदर तो कृषि भूगोल का सबसे अधिक विकास इंग्लैंड, पूर्वी सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र
राज्य अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। किस रूप में? क्योंकि देखो, कृषि भूगोल की अगर चर्चा कर लेते हैं आर्थिक भूगोल में, सबसे पहला है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में एक सफल कृषक के लिए आवश्यक अवस्थाएं जैसे उत्पादन व वितरण और मिट्टी की मात्रा, गुण, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, भूमि में उपयोगी पदार्थ या पोषक तत्व सूर्य का प्रकाश, उसी के साथ साथ क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी की प्रकृति, फसल को बोने व काटने से संबंधित आवश्यक दशाएं किसके अंदर आती हैं आपकी, कृषि भूगोल के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। तो ये क्या है आपका, कृषि भूगोल की, कृषि भूगोल का सबसे अधिक विकास इंग्लैंड, सोवियत रूस संयुक्त राज्य अमेरिका, में हुआ है। देखो, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो कृषि भूगोल का सबसे अधिक जो विकास है वो आपका इंग्लैंड है, सोवियत संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं आप, तो दूसरा आपका आता है कृषि भूगोल के बाद में आपका औद्योगिक भूगोल। देखो, औद्योगिक भूगोल के अंदर क्या है, भूमि के अंदर से उद्योगों का जो विकास है, औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत भूमि से प्राप्त क्या है, खनिज पदार्थों का वितरण, उत्पादन की समस्याएं तथा उत्पादित वस्तुओं की क्रय विक्रय संबंधी समस्याएं और समस्याओं का, उनके सामाजिक और आर्थिक भूपृष्ठभूमि के साथ साथ भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन
किया जाता है और इसी के अंदर इस शाखा के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किसी देश के भौगोलिक वातावरण में औद्योगिक संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग है वो किया जाता है। देखो किसी भी क्षेत्र का अगर विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका उद्योगों के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी क्षेत्र के अंदर अगर खनिज पदार्थ क्या है आपके मिलते हैं या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो वहां पे क्या है आपका औद्योगिक विकास है, या कह सकते हैं कि खनिज पदार्थों का जो वितरण है या उत्पादन है उनकी जो समस्याएं पाई जाती हैं या उनका जब जमीन में से खोदकर जब उनको निकाला जाता है उस समय, या क्या है उत्पादन करने के बाद में क्या है अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, या कह सकते हैं कि वस्तु का जो विक्रय है जब बेची जाती है उस समय की क्या है समस्याओं उनका क्या है सामाजिक और आर्थिक क्या है दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ साथ क्या है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी पदार्थ अगर कच्चे रूप में मिलता है और फिर उसको क्या है उद्योगों तक पहुंचाया जाता है और उद्योगों में पहुंचाने के बाद में उसका विनिर्माण यानी कि किसी भी वस्तु को क्या है रूप परिवर्तित कर दिया जाता है उद्योगों के द्वारा, उद्योगों में पहुंचाया जाता है, फिर उसे क्या है माल तैयार होकर क्या है मार्केट में या बाजार में पहुंचाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये क्या है आपके जो भी खनिज पदार्थ होते हैं जो भूमि में से खोद कर निकाले जाते हैं या भूमि के ऊपर क्या है जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं चाहे वो किसी भी संबंधित हो। जैसे उदाहरण के लिए रूप में बताती हूँ कि आपका चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, औद्योगिक उद्योगों का जो निर्माण हो रहा है विकास है वो क्या है आपका औद्योगिक भूगोल ही कहलाता है या इसके अंदर औद्योगिक भूगोल को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं औद्योगिक भूगोल में। दूसरा है आपका कृषि भूगोल के साथ साथ किसके पार्ट चल रहे हैं ये आर्थिक भूगोल के, जिसमें आपका कृषि भूगोल हो चुका है, दूसरा आपका है औद्योगिक भूगोल। देखो औद्योगिक भूगोल की अगर चर्चा कर रहे हैं तो औद्योगिक भूगोल के अंदर के अंतर्गत भूमि से प्राप्त खनिजों का वितरण व उत्पादन खनिजों का वितरण व उत्पादन की समस्याएं तथा उत्पादित वस्तु की विक्रय संबंधी समस्याओं समस्याओं का उनकी सामाजिक और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ साथ
भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन से अध्ययन किया जाता है। देखो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी उद्योग धंधा अगर स्थापित किया जाता है तो उसके लिए क्या है, आपकी अनेक समस्याएं उसके सामने आती हैं। जैसे सबसे पहले तो कोई भी उद्योग लगाना हो तो उसके लिए क्या है, जमीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में उसको संचालित करने के लिए क्या है, कच्चा माल है वो जरूरी होता है। फिर क्या है, आपकी बिजली की, पानी की, श्रमिकों की, आपके यातायात की और परिवहन की, इन सब क्या है वस्तुओं को या इन सब जो आपके संसाधन है ध्यान में रखते हुए कोई भी उद्योग का की स्थापना की जाती है। और अगर इस आधार पे अगर आपको सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वहां पे क्या है, कोई भी उद्योग है वो आसानी से स्थापित किया जा सकता है और उसका विकास है वो आसानी से हो सकता है। तो इन सब चीजों का क्या है कि औद्योगिक भूगोल के अंदर कि आपके जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका क्या है, वितरण और उत्पादन, उसी के साथ साथ क्या है, आपका ये जब उत्पादित हो जाती है, बन जाती है, तो उसका क्या है, क्रय विक्रय है, उससे संबंधित कार्य है वो क्या है, आपका औद्योगिक भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आपकी दूसरा आता है वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल के अंदर क्या है, आपका यातायात से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो व्यापार है, यातायात है के साधन, व्यापारिक केंद्रों के विकास, उनकी उन्नति के कारण का अध्ययन है, वो क्या है, किया जाता है। तो तीसरा आपका आता है वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल, वाणिज्य भूगोल की अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या है, विभिन्न देशों के, ऐसे नहीं है कि एक देश विशेष के लिए ही क्या है, आपका जो भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता है वाणिज्य भूगोल के अंदर। तो वाणिज्य भूगोल का जो मेन उद्देश्य है उसमें क्या है, विभिन्न देशों के व्यापार, यातायात के साधन, व्यापारिक केंद्रों का विकास और उन्नति के कारणों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या है, भूगोल का जो अस्तित्व है वो क्या है, इसी के अंदर वास्तव में अगर देखा जाए तो भूगोल का अस्तित्व है वो पृथक नहीं है, वो इसी के अंदर छुपा हुआ है या इसी के अंदर सम्मिलित है। क्योंकि किसी भी देश का व्यापार उस देश के कृषि पदार्थ, कच्चे धातुएं, औद्योगिक वस्तुओं के आधार पर ही होता है। अतः किसी भी आर्थिक भूगोल में इन तीनों शाखाओं का अध्ययन है वो सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, वाणिज्य भूगोल के अंदर सम्मिलित किस किस को किया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों के व्यापार के अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों देशों के व्यापार, वाणिज्य यातायात के साधन, उसी के साथ साथ क्या है, आपके व्यापारिक केंद्रों के विकास, विकास व उन्नति के कारणों का अध्ययन किया जाता है
अध्ययन किया जाता है, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु किसी भी देश के अंदर किसी भी देश का जो व्यापार है उस व्यापार में कृषि पदार्थ, कच्चे धातु और उद्योगों की वस्तुओं के आधार को ही क्या है आपका सम्मिलित रूप है वो इसके अंदर आता है। इसलिए कृषि भूगोल आपका आर्थिक भूगोल के अंदर क्या है इन तीनों भूगोल का जो अध्ययन है वो क्या है छुपा हुआ है। इसके बिना क्या है तीनों भूगोल का अगर जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा, तीनों भूगोल को अगर पढ़ा नहीं जाएगा तब तक आर्थिक भूगोल है वो पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपका क्या है जो आर्थिक भूगोल है वो आर्थिक भूगोल की जो शाखा है वो कंप्लीट होती है। दूसरी आपकी आती है सामाजिक भूगोल। देखो सामाजिक भूगोल की अगर चर्चा करते हैं तो सामाजिक भूगोल के अंदर आपके अनेक प्रकार के कारकों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो किसी भी समाज के अंदर अगर मानव रहता है तो मानव एक समाज के अंदर रहते हुए क्या है परंपराएं हैं और उसी के साथ साथ ग्रामीण शहरी और जो शहरी लोग हैं उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, उनका जो आश्रय है, प्राकृतिक संसाधन है, ये सारी चीज क्या है एक सामाजिक भूगोल का उद्देश्य है वो बन जाता है। तो इन सब का अध्ययन करते हुए ही क्या है सामाजिक भूगोल को पढ़ा जाता है। देखो मानव भूगोल के स्थान पर सबसे पहले सामाजिक भूगोल का प्रयोग है वो किया जाता था कब 1908 में वेलेक्स नामक विद्वान द्वारा किया गया। यानी कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है मानव भूगोल के स्थान पर सबसे पहले क्या है सामाजिक विज्ञान को पढ़ा जाता था 1908 में। ठीक है सामाजिक भूगोल है का प्रयोग किया जाता था किसके स्थान पर मानव भूगोल के स्थान पर। ये किसने बताया वेलॉक्स 1908 के अंदर। यानी कि पहले आपका मानव भूगोल एक शाखा नहीं थी किसके अंदर पढ़ा जाता था सामाजिक भूगोल के अंदर पढ़ा जाता था। ये किसने कहा वेलॉक्स ने 1908 के अंदर। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो वास्तविक रूप में 1945 में गिलबर्ट और स्टील ने सामाजिक भूगोल की विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत की 1945 में मानव भूगोल की स्पष्ट व्याख्या। कितने सन में 1945 में सबसे पहले अगर विकास देखा जाए तो सामाजिक भूगोल के अंदर ही भूगोल मानव भूगोल को पढ़ा जाता था 1908 में। उसके बाद अगर इसके विशिष्ट अलग एक सुनिश्चित शाखा अगर उसकी बात करते हैं तो 1945 के अंदर मानव भूगोल का क्या है विकास माना जाता है, इसको अलग से पढ़ा जाने लग गया। ये किसने कहा स्टील और गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। और वाटसन महोदय ने क्या कहा है इनके बारे में सामाजिक भूगोल की महत्ता वो क्या होती है एक विस्तृत व्याख्या के रूप में इन्होंने कहा है कि यदि भूगोल पृथ्वी के नक्षत्र का विज्ञान है अर्थात परिस्थिति प्रभाव का विज्ञान अथवा
वस्तु वितरण का विज्ञान, खंड विखंडों का विज्ञान, इस तरीके से क्या है, सामाजिक शक्तियां हैं इसके अंदर समाहित हैं, इसके अंदर क्या है अनेक प्रकार से, जैसे सकेंद्रण, पृथकता, आक्रमण, वंशानुगत, गुण अध्ययन करना भी क्या है आवश्यक माना जाता है। ये किसने कहा है, वाटसन महोदय ने बताया है। देखो धीरे धीरे अगर चर्चा करते हैं मानव सामाजिक भूगोल की, तो सामाजिक भूगोल का उद्देश्य यह है कि मानव समाज चाहे वह है परंपरागत या आपका ग्रामीण शहरी हो, उसी के अंदर क्या है परिस्थिति विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, और उसी के अंदर क्या है आपके अनेक प्रकार के कार्य हैं, मनुष्य रहते हुए मानव समाज उसके वातावरण के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो माना जाता है, जिसके अंदर आपके ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच अंतर है वो देखने को मिलता है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक भूगोल की अगर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से आपके अधिवासों की चर्चा करते हैं, आप अधिवास आपने पढ़े होंगे, तो अधिवासों की अगर चर्चा करते हैं तो मानव एक सामाजिक प्राणी होते हुए समाज में रहते हुए अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने रहने का तरीका, अपने खाने का तरीका, ये सारे क्या है समाज के अंदर रहते हुए वो सीखता है, और ये सारी चीजों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं, सामाजिक भूगोल के अंदर करते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से सामाजिक भूगोल का अध्ययन है वो क्या है मानव भूगोल में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।